दूंगा कि इन्होंने बहुत एक अच्छी एक्टिविटी शुरू की है जिसके थ्रू जो बच्चे हैं खासतौर पे यंग पाकिस्तान के जो एडवांटेज है, पाकिस्तान इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन। कहते हैं कि वी हैव एवरेज यंग पॉपुलेशन, एवरेज पॉपुलेशन इज 23, सो मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज द यंग पीपल। एंड व्हेन वी हैव सो मेनी यंग पीपल, वी हैव आल्सो सम ऑफ द बिगेस्ट रिसोर्स अवेलेबल। और इस हवाले से देखा जाए तो आज के तनाजरे में तो जॉब्स के हवाले से वेरी डिसमल पोजीशन है, खास तौर पे कोविड के बाद तो और भी इससे ज्यादा खराब पोजीशन हो गई है। तो इन सब चीजों को नजर में रखते हुए अगर देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज के थ्रू ये बच्चे अपने आप को मुस्तकबिल में अपना एक बेहतर प्लान कर सकते हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करके अपने लिए और सोसाइटी के लिए और मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से मैं अपने बच्चों को और जिन दूसरे बच्चे भी जिन दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिनने इसमें इंटरेस्ट लिया है, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बिस्मिल्लाह करके सारी मेहनत से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस स्टेज पे जो क्वार्ट 3 है मेरे ख्याल में, उसमें हैदराबाद के बच्चों ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया है पूरे पाकिस्तान में, मुझे हसन बता रहा था। तो इस हवाले से देखा जाए तो और मेहरान इज ज्वाइंट फर्स्ट पोजीशन विथ यूएमटी, तो आई थिंक इट इज अ वेरी प्लेयर फॉर मी एज ए वाइस चांसलर के हमारे बच्चे इतने भरपूर नमूने से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसका एक फायदा भी ले रहे हैं इस एक्टिविटी का, जो गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा मंसूबा है कि बच्चों को ट्रेन किया जाए, बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनको एक टूल सिखाए जाए ताकि उसमें वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो इस हवाले से ये एक बड़ी अच्छी कावश है। एंटरप्रीनरशिप ऐसी एक एक्टिविटी है जिसमें यू आर नॉट ओनली गेटिंग जॉब बट यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग जॉब्स टू अदर। तो हम अपने बच्चों को जब यहाँ फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनको कहते हैं कि इंजीनियर जो है वो ये नहीं है कि जाके जॉब सीकर बने, वो कोई ऐसी एक्टिविटी करे जिसके थ्रू वो दूसरे लोगों के लिए भी जॉब का जरिया बने। तो मेरे ख्याल में ये ट्रेनिंग इनके लिए एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है जिसके थ्रू ये अपने आप को मुख्तलिफ ट्रेनिंग की मदद से अपने आप को अपने टूल्स को बेहतर करके एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी करेंगे और उसका एक फायदा जो है वो अपने लिए भी उनको होगा, लेकिन अबो ऑल एक अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन में बेनिफिट होगा, सोसाइटी में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और उसका बेनिफिट अल्टीमेटली मुल्क को होगा। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल दैट दिस टू द पीपल हु आर वर्किंग इन आइडियाजिस्ट, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब एंड आई एक्सपेक्ट दैट दे विल कंटिन्यू वर्किंग इन दिस प्लेटफॉर्म एंड मोर यंग पॉपुलेशन, मोर एंड मोर यूथ पॉपुलेशन विल बी गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ। एक बार फिर मैं सारे दोस्तों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको एक्नॉलेज करूंगा, उनको अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने इतने अच्छे एफर्ट्स लिए हैं। और उसके अलावा मैं अपने बच्चों को और जितने भी दूसरे बच्चे हैं जिनने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है उन सबको एक मुबारकबाद फिर से दूंगा। थैंक यू वेरी मच।